कि मैं वचन ज्यादा और अभिषेक ज्यादा करूंगा। यस, पढ़ो याकोब 5:13 में क्या लिखा, यदि तुम में कोई दुखी है हाँ तो वह प्रार्थना करे, हाँ यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। तुम में कोई दुखी है तो क्या करे, प्रार्थना करे, आनंदित है तो भजन गाए। और पढ़ जल्दी, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए हाँ और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे हाँ और विश्वास करे, प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आमेन। और किसके द्वारा, विश्वास के द्वारा। कलीसिया का प्रचीनों को बुलाए, पास्टर के पास जाए, जब वो तेल रख के दुआ करेगा तो रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं, कहता है कि जब कलीसिया के प्रचीनों को बुलाओ, वो तेल रख के जब आपके लिए प्रार्थना करेगा तो रोगी चंगा हो जाएगा। अगर उसने अपराध भी किया है, पाप भी किया है, तो क्षमा हो जाएगा और परमेश्वर से उठाकर खड़ा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं कर आज आप खड़े होने जा रहे हो यीशु मसीह के। यस आमीन। आप भटक चुके थे लेकिन परमेश्वर कर आज मैं तुम्हें फिर एक नया और ताजा मसा देने। यस आमीन। सब बल हालेलुया, हालेलुया। मैं सुनो एक बात आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको किसने बुलाया है? सुनो, कोई वॉलंटियर मेरे पास, एक वॉलंटियर खड़ा हो, एक वॉलंटियर कोई भी, चलो आप लोग पीछे से कोई खड़ा होकर, पीछे से वॉलंटियर कोई एक खड़े होकर आए मेरे पास, बस सामने खड़े हो जाए। वॉलंटियर कोई हो तो वॉलंटियर, वॉलंटियर आप आ गए, बहुत फास्ट आदमी, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, इधर मुकरो। मैं कुछ बताना चाहता हूँ और आपको सुनना है। मैं इनसे पूछूंगा और ये मुझे जवाब देंगे, आप सब सुनेंगे। इनसे आप समझ जाना कि मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ। आपको किसने बुलाया यहाँ पर? परमेश्वर ने। आपका पहला जीवन क्या था? बहुत गंदगी जीवन था। आपको किसने चुना? परमेश्वर ने। कब चुना था? कितने दिन पहले प्रभु को आप जाने? करीब 3 साल पहले। 3 साल पहले परमेश्वर को जाने। ओके। आपको खड़ा किसने किया? परमेश्वर ने। आपको बुद्धि किसने दिया? परमेश्वर ने। आपको आने का सामर्थ किसने दिया? परमेश्वर ने। अब किसका सुनोगे? परमेश्वर का। आज क्या वॉलंटियर किसका सुनते हैं? गलत। आज के वॉलंटियर परमेश्वर को नहीं सुनते। आज के वॉलंटियर पता किसने फलनिया हमारा के हैं को बदल लिया, हाउ हमारा का बोल दे लियो, हाउ हमारा का होई कह लियो। अच्छा, लोग ने बुलाया तुमको, लोग तुम्हारे लिए दुआई करेंगे। आज कलीसिया के लोग कर क्या रहे? ना ना, वो हमको बोल दे बढ़िया हम चर्च ना जाए। लोग के बोलने से तुम चर्च आते हो कि परमेश्वर? कहाँ आपका तमखा है, कहाँ आपका घमंड है? आप समझ रहे कि नहीं? आज वॉलंटियर कहते नहीं नहीं नहीं, मैं अगर वो हमको हमको हटा दिली हम अब ना जा चर्च। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर अभी भी घमंड की आत्मा, परमेश्वर ने कहा तुम्हें अंदर दया का आत्मा होना चाहिए। अगर परमेश्वर खड़ा किया है, प्रार्थना मैं करता हूँ, आत्मिक पिता मैं हूँ, मैं तुम्हें कुछ बोला ही नहीं, परमेश्वर बोला ही नहीं, तीसरे के बोलने पर तो घमंड करके भाग जाओ, किसका जिम्मेदारी? समझ रहे कि नहीं? चुना किसने? परमेश्वर ने। खड़ा किसने किया? परमेश्वर ने। बुलाया किसने? परमेश्वर ने। अभिषेक किसने किया? परमेश्वर ने। अब नबी किसने दिया? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर से पूछे हो, तीसरे के बोलने के चक्कर में वॉलंटियर अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने एक चेले से कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, उसने कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा लेकिन मैं अपने पिता को गाड़ के आता हूँ जमीन, फिर तेरे पास आऊंगा। उसने कहा नहीं, मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। मतलब अगर आपने विश्वास में अड़े हो, अपने वरदान में अड़े हो, अपने सेवकाई में अड़े हो, अपने प्रार्थना में अड़े हो, तो आपको किसी तीसरे को नहीं सुनना है कि तीसरा मुझे क्या कहता है। आपको परमेश्वर का सुनना है, अपना नबी का सुनना है। अगर आप परमेश्वर का सुनते हो, नबी का सुनते हो, आप पढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। किसी के चढ़ाव के चक्र में नहीं आना है। ये क्या, हमारा अभिषेक खराब क्यों होगा?
जब हमको प्रभु ने चुना था तो हमारा सहेली थी क्या? हमारा दोस्त था? हमारा मित्र था? अगर हम आज मित्र के सुनते तो यहाँ नहीं रहते। कहीं ना कहीं हम मित्र को छोड़े हैं और आगे बढ़े हैं, तब यहाँ तक आए। यस, आप समझ रहे कि नहीं? मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर कहा वॉलंटियर को समझा, वो फंस जाएंगे ना। लोग कहते ना, ना घाट के ना ना घर के ना घाट के, कहीं कहीं रह जाएंगे। और तब शैतान उनको चपेटेगा, पाप बाप चिल्लाएंगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा। और उस समय के बाद जब आएंगे वॉलंटियर बनने के लिए, तब तक चर्च कहीं और चला गया होगा। फिर आओ, पीछे बैठो, लाइन में लगाओ, कोई मतलब नहीं। एक चीज़ हमें याद रखना है, अगर जो व्यक्ति कलीसिया के अंदर से वॉलंटियर हो, खास करके या पास्टर वो कोई व्यक्ति, अगर वो परमेश्वर के राज को छोड़कर भागते हैं, उसे दोबारा हमें वापस लेना नहीं, छोड़ देना उसको, वैसे छोड़ देना, जा जैसा तू करेगा वैसा तू देखेगा। क्योंकि पता है क्या है, हमने आज तक जिंदगी में एक चीज देखा है, जो एक बार धोखा देगा वो बार बार दे सकता है। सही है कि नहीं? उसे फिर से मोहब्बत मत करना, छोड़ो उसको, जा जो मर्जी। अगर मुझे खुदा ने खड़ा किया तो सैकड़ों लोगों को देगा, लाखों लोग देगा, मेरे को किसी के चढ़ाने के चक्कर में नहीं जाना है। परमेश्वर है जो मुझे देने वाला है। यस, अगर परमेश्वर मुझे खड़ा किया है तभी आपको भेजा है, और आप जाओगे तो 100 आएंगे, लेकिन ईमानदार आएंगे। घमंड नहीं करना। परमेश्वर ने, मैं प्रार्थना कर रहा था रात को, परमेश्वर कह रहा था वॉलंटियर को समझाओ, वो दूसरे तीसरे कोई तीसरा कोई व्यक्ति पता नहीं कौन क्या बोल दिया, वो कहता नहीं नहीं ये तो हमको बोल दे दिया, तो हम कह के थे अरे तुम्हें खुदा ने चुना है, तुम्हारा अभिषेक तुम्हारा पास्टर करते हैं, तू लोगों के चक्कर में क्यों? उसका जिंदगी खुद बर्बाद है और तुम्हें बोल दिया और तुम भागे, तुम्हारा भी खुद बर्बाद होगा। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए ऐसा नहीं करना। कितने समझ पा रहे? किसी के चढ़ाने के चक्कर में नहीं जाना, किसी के भड़काने में नहीं जाना। अगर खुदा ने आपको यहाँ खड़ा किया है, आज आज छोटा काम दिया, हो सकता है कि सब्र रखें, कल बड़ा काम भी देगा। और दूसरी चीज, आज लोगों को पता ही नहीं, अगर परमेश्वर ने वरदान दिया है तो कहता है संभाल कर रख, अगर नहीं रखेगा तो वो जगह दूसरा ले लेगा। ये नहीं कि आपको अधिकार दे दिया वॉलंटियर बन के यहाँ खड़ा रहो, तो कल तुम अपने आप को सही न रखोगे तो परमेश्वर कहेगा इसको चेंज कर, दूसरा रख यहाँ, वो अभिषेक रहते ही आप पीछे हो जाओ। इसलिए बाइबल में कहता अपने वरदानों को संभाल के रखना, अपने बुलाहट के अनुसार काम करना, अपने जिंदगी की तरफ देखना कि परमेश्वर मुझे किस हालात में चुना और किस काम के लिए चुना है। अगर ऐसे देख के काम करोगे परमेश्वर में बढ़ोगे। आमेन, आमेन। समझ रहे कि नहीं? यस। अगर आप गलती करोगे तो लोग कहाँ निकालेंगे? परमेश्वर खुद निकाल देगा। मेरे साथ कितने धोखा हुआ जानते हो? कितने लोग पास्टर बन के मेरे पास आए, कितने लोग विश्वासी बन के मेरे पास आए, कितने लोग क्या बन के मेरे पास आए और मुझे नोचने लगे, मुझे खाने लगे। समझ रहे कि नहीं? आप जितने बहुत सारे पास्टर मेरे पास निकले कि नहीं, लेकिन मैंने निकाला किसी को नहीं, सब अपने आप साइड, क्योंकि खुदा साइड करता है। कोई चोरी की में पकड़ा गया, कोई लालच में पकड़ा गया, कोई घमंड में पकड़ा गया, कोई पाप में पकड़ा गया, निकाल दिया गया। समझ रहे कि नहीं? और निकालने वाला कौन है? और उनके निकलने से फायदा है, मेरा कलीसिया आगे बढ़ रहा है। यस, हालेलुया। लेकिन जो लोग निकाले हुए पीछे के पीछे जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनका उनका जिंदगी डेड हो जाएगा, परमेश्वर घृणा करने लगेगा उन व्यक्ति से। अगर आप निकाले, मैंने जिसको बोला कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं है, इससे तुम्हें बात नहीं करना है, तो समझ लो कि मेरा बाप के आदेश है, जैसे हमें पालन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूँगा। अगर आप बात करते हो तो आपका जिंदगी बर्बाद होने वाला है, ये लिख लो आज। क्योंकि जब वो व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाया, कलीसिया में आकर उपद्रव मचा सकता है, तो आपका जिंदगी में उपद्रव मचा सकता है, क्योंकि जो उसके पास है वो आपको दे देगा, फिर लेकर ढो। समझ रहे कि नहीं? बाइबल कहता शीघ्र किसी की मुड़ी पर हाथ न रखना और ना ही शीघ्र किसी का हाथ अपने सर पर रखवाना। एक पास्टर मेरे साथ थे, मेरे को उस दिन याद है, आज उनकी गवाही बताता हूँ। कोई एक ऐसे पास्टर थे मेरे साथ, उनके उनकी प्रार्थना, मैं सोचा चलो ये प्रार्थना करेंगे तो मेरे अंदर अभिषेक उतरे,
बहुत दिन पहले की बात बता रहा हूँ, वो मेरे ऊपर प्रार्थना करते थे। मेरा जिंदगी पता कहाँ जाता था, पाप की तरफ जा रहा था। प्रार्थना करने से मैं समझ गया कि कहाँ जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। तब परमेश्वर कहा कि ये पास्टर से तो कभी प्रार्थना मत करना, क्योंकि ये प्रार्थना के अंदर जो स्प्रेट है वो तेरे अंदर काम कर रहा है। मैं डर गया और प्रभु ने कहा परमेश्वर इसका कोई उपाय कर। परमेश्वर ने कुछ समय के बाद उपाय कर दिया, उसे अलग कर दिया। समझ रहे कि नहीं? आपका ये नहीं कि जहां पाओ जय सर का हाथ लगवा लो। अगर एक पिता आपके ऊपर हाथ रख रहा है, संतुष्ट रहो। कहता तेरा बाप एक है, बुलाने वाला एक है, नबी एक होना चाहिए। जैसे माँ बाप एक है, वैसे हमारा आत्मा पिता एक होना चाहिए। यदि एक है, उसके हाथ आपके ऊपर है, आप कभी हारोगे नहीं, जीतोगे। यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। अगर अगर इनको परमेश्वर ने बुलाया है, क्या ये तीसरे के सुनेंगे? क्या पता कोई वॉलंटियर पीछे बोल दे यार तुम आगे ना जाओ, या ये ना करो वो ना करो। ये समझे कम उनका वॉलंटियर बोल दल से तो हम ना जाए, गलत है कि नहीं? वॉलंटियर ने बोला है, वॉलंटियर ने डांटा है। तुम अपने तरफ झांको, तुम सही हो तो मुझसे कहो, मुझसे बताओ, उसका समस्या का हल हम निकालेंगे ना, है कि नहीं? अकेले के दूसरे कहने पे भाग जाएंगे, किनका बर्बादी है हमारा। 100 वॉलंटियर रखने से अच्छा कि 20 और रख लो जो आत्मिक हो, पावरफुल हो, और उनको देखने से भी मुर्दे जिंदा हो जाए। यीशु का नाम। परमेश्वर के पास सैकड़ों सैकड़ों लोग थे, लेकिन चेले मात्र 12 ही थे। समझ रहे कि नहीं? 12 ही चेले थे और 12 ही चेला पूरा हिला कर रख दे। आप उतने ही बनो, कम ही रहे वॉलंटियर, कम ही बाउंसर रहे, लेकिन हिला कर रखने वाले रहे आत्मा से। यस, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? वो 50 चक्कर में हम बर्बाद नहीं करेंगे। आपको क्या बनना है? पावरफुल। किसने चुना इनको? परमेश्वर ने चुना कि नहीं? यस। अब दूसरों को सुनोगे कि परमेश्वर को सुनोगे? परमेश्वर को। आपको परमेश्वर को सुनना है और अपने पिता का सुनना, आत्मिक पिता का, बाकी कहीं नहीं जाना। किसी की नहीं सुनने की जरूरत है। अगर दो लोगों के सामने हो, अगर मेरा जीवन बेस्ट है, मैं आपको बेस्ट बना दूंगा। यस आमीन। लेकिन अगर मेरा जीवन खत्म है, फिर आपको खत्म बना दूंगा। सही है कि नहीं? यस। जब मैं खुद नशा में हूँ तो आपको नशा छोड़ा पाऊंगा क्या? नहीं छोड़ा पाऊंगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, क्योंकि बाइबल में मुझे पढ़ रहा था, परमेश्वर कहा कि भेड़ के भेष में भेड़िए आएंगे जो तुम्हारे भेड़ों को नोच खाएंगे। और ऐसा ही हुआ। पास्टर लोग आए, नोचने की कोशिश की, बहुतों विश्वासियों को भड़का दिया। आज बहुत सारे लोग उनके चक्कर में चर्च छोड़ दिए, जो तुम्हें नोच खाएंगे और वो तुम्हें भरमाएंगे। लेकिन वो ना घर का रहेंगे, ना घाट के, ना आपको घर का रखेंगे, ना घाट का। पता है, एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे कहा, देख जो लोग तुमसे निकल के दूसरे चर्च में गए हैं वो रो रहे हैं। मैंने कहा परमेश्वर क्यों? उनका मन तो करता मैं वापस जाऊं, लेकिन वो पास्टर पकड़ के रखे हैं, न चाह। मेरे को विश्वास है एक दिन वापस आएंगे। आमेन। देखो, जब परमेश्वर ने शैतान को गिराया, इब्लिस को घमंड आया, और इब्लिस को जब परमेश्वर ने गिराया, तो गिरने के बाद वो अकेले नहीं गिरा, एक तिहाई स्वर्गदूतों को ले भी था। जब कोई पास्टर चर्च से निकलता है तो कम से कम 100-150 विश्वासी को तो ले भी देगा, पक्का उनको जिंदगी खत्म। आप समझ रहे कि नहीं? तो इस प्रकार से लोग हैं, लेकिन आपको किसी के भरमाए में नहीं जाना है। आप जहां हो स्ट्रांग हो। यहां से अगर हम बढ़ गए तो दुनिया में सबसे फेमस हो जाएंगे। यस आमीन। अब आप देखे हो कि जब मैंने छत्तीसगढ़ के मीटिंग में गया था, कितनी वीडियो देखे हो, देखे कि नहीं? मैंने अपने पापा का कैसे अधीन था पता है? वहाँ के लोग भी पागल हो गए थे, कह रहे थे कि आप इतने बड़े पास्टर होकर भी वेदी के नीचे घूम घूम कर लोगों को देख रहे हैं। मैं वॉलंटियर काम कर रहा था अपने पापा के सामने। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर मेरे पापा बड़े हैं, उनके सम्मान होना चाहिए, उनके बड़ाई होना चाहिए, उनके नाम होना चाहिए। मैं अपने नाम के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने पापा का नाम के लिए आया हूँ। और मैंने नीचे उलट नीचे मैंने कुर्सी लगा रहा था, कुछ लोग मुझे पहचान रहे थे वहाँ पर, बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर देखते हैं पहचान कर रहे थे, याद ये तो पास्टर जी है, ये कुर्सी क्यों लगा रहे हैं?
कुछ लोग मुझसे मिल करते कि ये क्या हो रहा है, मैंने कहा ये मेरा सेवा है, शुरुआती मेरा यही है। हालेलुया। और पता आज मैंने कहा मैंने पास्टर बन के नहीं आया, आज मैं वॉलंटियर बन के आया, मैं वॉलंटियर सब बलहा ले लिए। और आपने देखा होगा कि मैंने लोगों से गवाही ले रहा था, पीछे पीछे जा रहा था, मैंने किसी के मुड़ी पर हाथ रख के दुआ नहीं कर रहा था, लेकिन जब पापा लास्ट में मुझे जा बेटा तू प्रार्थना कर, और जब मैंने पीछे जाके प्रार्थना की बड़े बड़े लोग आजाद हुए और खड़े होने लगे, यस हालेलुया, वहाँ के लोग बताए, फिर मेरे पीछे भीड़ लग गई, मैंने कहा मुझे भागना होगा नहीं तो इधर भीड़ मेरे पीछे भाग रही है, मैंने तुरंत वहां से उठा वेदी पर भागा, मैंने कहा पापा अब निकलते हम लोग, क्योंकि लोग टूट पड़े। आज लोग कहाँ भूखा प्यासा है चंगाई का, जहाँ मिलेगा वहाँ भागते हैं, समझ रहे कि नहीं। लेकिन उस समय मैंने पापा बोला कि अब निकलते हैं, और मैंने तुरंत लेकर गाड़ी में बैठ कर निकल गया, देखे कि नहीं, लेकर आया भी मैंने था, तो मैंने पास्टर बन के नहीं गया था, पापा पापा ही होते हैं, आत्मिक पिता पिता ही होता है, वो कैसे भी है मेरे लिए पिता है, चाहे वो मुझे कुछ भी बोल दे मैं उनके दामन नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे कि नहीं, अगर दामन पकड़े हैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं जीऊं या मरूं, बाप को बना लिया हूं तो बना लिया हूं, चाहे कुछ भी हो जाए हिलेंगे नहीं, समझ रहे कि नहीं। अभी आप लोग नहीं जानते हम दास हैं, हम जब अपने पापा के पास जाते हैं ना तो पता है मेरा कर्तव्य क्या है, हम पापा का पैर दबाते हैं, आपने कभी सेवा नहीं किया, वो चर्च से जब लौट के आते हैं तो हम उनको पैर दबाते हैं ताकि मुझे और अभिषेक मिले, सेवा का प्रतिफल मिलता है बच्चों, ये ऐसे नहीं मिलता, अगर मेरे बाप पावरफुल है तो मैं भी पावरफुल हूँ, और मैं पावरफुल हूँ आप भी पावरफुल बनोगे, ये होता विशेष वरदान मिलता है, परमेश्वर वरदान देता है लेकिन अभिषेक लेना पड़ता है, अभिषेक कैसे लेंगे जिसके पास अभिषेक है, जब अभिषेक जिसके पास है उससे अभिषेक लेंगे, समझ रहे कि नहीं, आपको चाहिए कि नहीं, यस वो अभिषेक चाहिए कि जो मेरे पापा को पर छूते हैं तो लोग हील होते हैं, मेरे ऊपर भी आए और मैं भी छूंगा तो लोग मारे छलांग दौड़े, समझ रहे कि नहीं, ऐसे आपके अंदर होना चाहिए। आपको देखना है, आपने जितने लोग पहले से शुरू से मेरे साथ जुड़े हैं शुरू से, वो लोग हम लोग का हालात देखे होंगे, हम लोग कैसा कैसे समस्या का सामना करके यहाँ तक पहुंचे, सही है कि नहीं, यस। लेकिन एक चीज है, प्रभु हमें हिलने नहीं दिया, क्यों 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 आज बहुत सारे पास्टर लोग हैं, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे कलीसिया हैं, लेकिन छोटा सा झटका नहीं रोक पाते, सही है कि नहीं, हम लोग बड़े बड़े झटका यहाँ रोके, बड़े बड़े झटका, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा, सही है कि नहीं, यस। बड़े बड़े प्रशासनिक तौर पर, अब देखो जो प्रशासन हमें तंग करते थे आज वो प्रशासन अपने साथ है कि नहीं, यस मेरे साथ घूमते हैं, मेरा खुद बॉडी गार्ड कर लेते हैं, आप सही है कि नहीं, आप देखेंगे नहीं 25 दिसंबर में साथ साथ घर से आना प्रशासन, ये कौन करता है, परमेश्वर, क्योंकि मैं उसके सामने ईमानदार हूँ, वफादार हूँ, मैं तीन चीज में वफादार हूँ, पहला मैं अपने आत्मिक पिता को अपना सब बढ़ के सम्मान करता हूँ, दूसरा अपने दान को कभी दसवां चोरी नहीं करता, यहाँ मेरे वॉलंटियर जितने लोग रहते हैं उनको पता है, अगर मेरे पास 500 आया ना तुरंत बोलता हूँ 50 रुपए निकाल दे इसमें से, 450 ही रखा, तुरंत निकलवाता हूँ, चोरी नहीं करता हूँ, वफादार रहता हूँ, परमेश्वर के सामने ईमानदार रहता हूँ, मैं परमेश्वर के सामने जब जाता हूँ तो बोलता हूँ परमेश्वर तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, तू मुझे उस लायक बना, इस लायक कि जैसा तू चाहता है, क्योंकि मैं तो नादान हूँ प्रभु, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं सब अच्छा कर सकता हूँ, सब बलहा लेने, हालेलुया। वफादार तीन चीज में, पहले आपको परमेश्वर के सामने वफादार रहना है, अपने आत्मिक पिता के साथ वफादार, वो प्रार्थना करे या ना करे, जरूरी नहीं है कि आपके आत्मिक पिता आपको ऊपर हाथ रखे, अगर वो आपको देख ले या आप उसको देख लो तो महसूस करो आज मैं आत्मा से भर रहा हूं, महसूस कर, अगर मैं आपके बगल से भी गुजर रहा हूँ महसूस करो, वो मुझे हाथ रखे या ना रखे, लेकिन मैंने वो 12 वर्ष के रोगिन की जैसी महसूस कर रही हूँ, अगर मेरे को प्रभु के कपड़े भी छू लो तो चंगे हो जाऊंगे, हालेलुया।
कैसा विश्वास था उसके अंदर, इतना पक्का विश्वास कि प्रभु मेरे ऊपर हाथ रखे या ना रखे उससे मतलब नहीं है, अगर मैं प्रभु का कपड़ा भी छुआ जाए मेरे शरीर से हो गया काम। हुआ कि नहीं? यस। सूबेदार का इतना बड़ा विश्वास था, कहा परमेश्वर मैं चल कर ठीक करूंगा। उसने कहा नहीं नहीं प्रभु, अगर तू यहाँ से बोल दे मुझे विश्वास है कि तू कह देगा तो मेरे लिए हो जाएगा। और गया और परमेश्वर का ऐसा विश्वास मैं तक कहीं नहीं देखा था। और जैसे वो नौकर मालिक जाता है, सूबेदार घर जाता है और नौकर का देखता है तो घूम रहा है। एक और राजा यीशु के पास आया, उसने कहा हे प्रभु मेरा बच्चा बीमार है, बुखार से पीड़ित है, मरने के हालात में है, तू चल इसी समय मेरे बच्चे को ठीक कर। परमेश्वर कहा आज के दुनिया के लोग बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं करते। कहता जब तक तुम चमत्कार नहीं देखोगे तुम विश्वास नहीं करोगे। उसने कहा प्रभु मेरे बच्चों को सही कर दे। उसने कहा जा, तेरा बच्चा मरेगा नहीं जिंदा रहेगा। और वो जैसे गाड़ी अपना घोड़ा लेकर रिटेन गया जा रहा था, रास्ते में उसके नौकर आया और आकर उसे सुसमाचार देता है, कहता मालिक आपका बेटा जीवित है। हालेलुया। वो घबरा गया, कहा किस समय की बात है ये, किस समय की बात है? उसने कहा दोपहर के 2 बजे के बात है। उसने सोचा कि मैं तो परमेश्वर से दोपहर के 2 बजे मिला था, इसका मतलब जिस समय प्रभु ने मुझे बोला था उस समय ही मेरा लड़का चंगा हो गया था। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ आपके बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, आपसे आप बीमार नहीं रहोगे। आप जिसके पास बच्चा नहीं है ना, तुम गर्भवती होगी, तुम बच्चा उत्पन्न करेगी, वो बच्चा सुरवीर होगा यीशु मसीह का नाम, वो बलवान होगा और बहुत सारे आत्माओं को बचाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर काम करता है। तो आपको कभी मत सोचना है कि जो है पास्टर जी मुझे बोलते हैं या ऐसे करते हैं। बाइबल में लिखा है पिता जिससे प्रेम करता है ना उसको डांटता है। किसको डांटता है? जिससे प्रेम करता है, प्रेम करता है। अगर डांटेगा नहीं बच्चा बिगड़ जाएगा। डांटने मतलब होता है सुधार कर लेना ताकि आगे से गलती ना करें। लेकिन आज लोग बार बार डांटते हैं, चलो छोड़ दो इसको नहीं करेंगे, छोड़ दो जाओ, उसके क्या बिगड़ गया, पास्टर के क्या बिगड़ेगा। जो इतने कलेशिया खड़ा कर सकता है वो आगे भी खड़ा कर सकता है। यस हालेलुया। आपके जाने से रहने से कोई मतलब नहीं। अगर आप वफादार हो तो आप बढ़ोगे, अगर आप ईमानदार हो तो आपके काम बढ़ेंगे, आपके बिजनेस बढ़ेंगे, आपके कारोबार बढ़ेंगे, आपका दुकान बढ़ेंगे, आपके घर में आशीष आएंगे, आप धनवान होगे। अगर आप वफादार तो आप बढ़ोगे, कलेशिया का कुछ नहीं होने वाला। कलेशिया तो ऐसे ही बढ़ना चाहता है ईश्वर के नाम में। समझ रहे कि नहीं? तो आपको परमेश्वर के सामने वफादार रहना है, परमेश्वर से आशीष मांगते रहना है। कहता है कि यदि तू वफादार ईमानदार है तो मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा। आमेन आमेन। तो किसी बात का चिंता नहीं करते हुए अपने पिता का अधीन रहना सीखना। कुछ भी हो जाए वो नहीं बात करेंगे ना, कोई बात नहीं ना करें, हम सबर कर लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं मिलते हैं ना, कोई बात नहीं, हम अगली बार मिलेंगे। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास। लोग आपसे कहेंगे यार आपके पास्टर साहब से मिलते नहीं, कोई बात नहीं, मिलते नहीं तो क्या हुआ, एक दिन जब मिलेंगे तो बड़े आशीष के साथ मिलेंगे। यस हालेलुया। क्या पता मिलने का प्लानिंग नहीं है, क्या पता मिलने की योजना ही नहीं है। हम परमेश्वर पर कैसे विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं? क्या प्रभु को देखते हो तब विश्वास करते हो कि बिना देखे विश्वास करते हो? बिना देखा तो आप तो अपने पापा को देख रहे हो, आप तो देख रहे हो, आंखों से देखते हो, बात भी कर रहे हो। आप कितने धन्य लोग हो कि प्रभु ईश्वर को बिना देखे विश्वास करते हो और आत्मिक पिता को देख के विश्वास कर रहे हो। कम से कम आप तो सीखो कि हम सेम नहीं होंगे, हम बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम। यस आमीन हालेलुया। बस वफादार हो जाओ, ईमानदार हो जाओ परमेश्वर के सामने, वो काम करेगा। जो कोई ईमानदार होता है, तो अगर आप परमेश्वर के सामने वफादार हो तो अगर वो उसने आपके उंगली पर हाथ रखे अभिषेक करेगा तो आप चंगे हो जाओगे। चंगे होना है पक्का। पता आपके सामने कौन खड़ा है? आपके परमेश्वर, आपका परमेश्वर। पता है परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर आपके पापा का अंदर बैठा है।
अंदर। अगर आप मेरा सम्मान कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो मुझे नहीं, मेरे पापा को जो मेरे फादर है स्वर्ग में है, उसे मेरे अंदर देखोगे। यस हालेलुया। जब परमेश्वर ने चेलों को भेजा था तो परमेश्वर ने चेले ने कहा परमेश्वर हे परमेश्वर अब तो तू जा रहा है, हम तुम्हें कैसे जानेंगे कि तू मेरे साथ है। उसने कहा अगर तुम बड़े बड़े काम होते देखो, अगर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते देखो, बड़े बड़े चंगाई छुटकारा देखो, समझना मैं तुम्हारे पास हूँ। हालेलुया। तो चमत्कार तो परमेश्वर तुम्हारे फादर के अंदर से होकर कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहाँ है? अंदर। अंदर है कि नहीं? यस। लेकिन सुनो, घबराना नहीं, संघर्ष में घबराना नहीं। मैं कुछ आपको और गवाही बताता हूँ। शुरुआती दौर जो होता है उसमें इंसान गिरता है, दुख में, बीमारी में, समस्या में, लाचारी में, बहुत सारे समस्या में गिरता है। हमारा गिरने के समय होता है 3 साल। कितने साल? 3 साल। 3 साल अगर आपने पार कर लिया, 4th साल आपको बड़े आशीष आने वाला है। यस आमीन। जब मैंने शुरुआती प्रचार किया, 1 साल तक मैंने वफादारी से प्रचार किया, 2 साल मैंने गिरने लगा। कभी वचन में गिर रहा था, कभी प्रार्थना में गिर रहा था, कभी मन इधर उधर जा रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था। कभी कभी मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा था मेरे अंदर कैसा ये भावनाएं आ रही, गिर रहा था। लेकिन जब मैं गिर रहा था तो मेरे को पता हो जाता था मेरे अंदर अभी आत्मा की कमजोरी है, मुझे दुआ चाहिए। और फिर मैं भाग कर जाता था प्रार्थना कराने के लिए अपने पापा के पास, और अभिषेक लेकर आता था। फिर सही, आपको तो जाने की जरूरत भी नहीं है कहीं, मैं उधर से भरता हूँ, मैं इधर देता हूँ। समझ रहे कि नहीं? यस। सेम अभिषेक आपके अंदर काम करेगा। यस आमीन। लेकिन शुरुआती दौर लोग गिरते हैं, घबराना नहीं है। गंदे गंदे सपने, अब तो बाइबल पढ़ोगे गंदे गंदे सपने आएंगे। जेंट्स पढ़ेगा तो ऐसा दिखाई देगा कोई लेडीज आ गई है, कोई ये है। लेडीज पढ़ेगी बाइबल उसको दिखाएगा कोई पुरुष मुझे तंग कर रहा है, कोई ये, ऐसे ऐसे समस्या आएंगे। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं, आने दो, जितने आते आने दो। और बस तुम अपने पिता के पास आओ, बोलो पिता मेरे लिए दुआई करो, बस मेरे को यह समस्या, जिस दिन हाथ गया उस दिन से बीमारी खत्म। यस हालेलुया। क्योंकि शैतान जब परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो हमें और आपको क्या छोड़ेगा? सही है कि नहीं? यस। तो हम भी अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, चाहे लाख बार गिरा। बाइबल कहता है तुम टूटो तो टूटो, तुम टूटो तो टूटो, लेकिन तेरा विश्वास ना टूटने पाए। हालेलुया। तुम गिरो तो गिरो, लेकिन गिरे मत रहो, उठो, क्योंकि मैं तेरे साथ यहोवा हूँ। हालेलुया। गिरना कोई चीज नहीं, बड़ी बात नहीं है। गिरने के लिए शैतान कभी भी आपको गिराएगा, मन में, विचार में, पाप में कभी गिरा कर कोशिश करेगा, गिराएगा। लेकिन गिरे मत रहो, उठो, तैयार हो जाओ। हट, तूने मुझे गिराया, मैं प्रभु से जाकर बताऊंगा, मैं प्रार्थना में जाकर बताऊंगा, मैं पापा से जाकर बताऊंगा, तू मेरे मन में ऐसा डालता है, मैं जाकर पापा से बताऊंगा, जाओ प्रार्थना में बताऊंगा। अगर ऐसा बोलोगे कभी आएगा। अगर आपके मुंह में गलत शब्द आता है बार बार, आप कहोगे अपने मन से, कहो मन तू मेरे गलत शब्द देता है ना, जा रहा हूँ पापा से बताऊंगा कि ये मेरे मुंह में गंदा गंदा शब्द देता है। सपना आता गंदा ना, आप बोलोगे नहीं मैं जा रहा हूँ मैं पापा से बताऊंगा। आप बोलोगे जैसे मैं पापा से बताऊंगा, जाऊंगा परमेश्वर से बताऊंगा, वो पता है वो दिन सही में नहीं करेगा, कहेगा अच्छा ये जाएगी, अगर ये बताएगी, अगर प्रार्थना कराएगी, मेरा काम खत्म। लेकिन आज के लोग करते क्या है, इतना परेशानी होता है लेकिन कमाए रहता है, कोनो बात नहीं, ना प्रार्थना करते हैं ना प्रार्थना कराते हैं, क्यों डरते हो? शैतान मेरा क्या बिगाड़ेगा? कहता उसने अगर मैं तेरे साथ हूँ तेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। क्यों डरते हो शैतान बीमारी से? उससे नहीं डरना है। कहता है ना इंसान से डरने की जरूरत है और ना ही शैतान से डरने की जरूरत है। अगर डरना है तो खुदा से डरो, वो जीवन देता है, वो मौत देता है, सब कुछ उसके हाथ में है। तो हम क्यों डरें किसी से? हम डरेंगे तो परमेश्वर से, हम डरेंगे तो अपने आत्मा पिता से, बाकी किसी डरने की जरूरत नहीं। अपने काम करो, सफलता मिलने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया। किसी बात का डर नहीं, न करे परवाह किसी गल की, वरख द खबर हर पल की। आप क्या कर रहे हो आपको पता? आपको नहीं पता, परमेश्वर नहीं पता, सब पता रखता है हमारा परमेश्वर। स्ट्रांग है। हालेलुया। हालेलुया। वो पत्थर नहीं है हमारा परमेश्वर, पत्थर नहीं हमारा परमेश्वर, क्या है? चट्टान है। और चट्टान के पीछे रहेंगे, लड़ो चट्टान से, लड़ो लड़ो, लगाओ गोल, लगाओ भाला। किस पे लगाओगे? चट्टान पर, वो हिलेगा ही नहीं। हम इसके पीछे रहेंगे, जिस दिन चट्टान मार देगा तेरे को, खत्म। समझ रहे कि नहीं? रात में सुलेमान की कहानी पढ़ रहे थे। सुलेमान की कहानी पढ़ते पढ़ते मैंने इतना हिम्मत पाया, उसने उसने उसके ऊपर इतने बड़े जो
शैतान के पुजारी थे, इतने बड़ा अटैक कर रहा था, इतने बड़ा हमला कर रहा था, लूटने पता। उसने कहा कि एक बार मौका दिया, कहा कि ये जितना इसके पास सोना चांदी धन दौलत है, अगर ये दे देगा तो मैं इसके राज पर चढ़ाई नहीं करूंगा। लोगों के चक्कर में सुलेमान ने कहा कोई बात नहीं, इसको दे दो। लेकिन देने के बाद भी वो नहीं माना, फिर चढ़ाई करने आया। और उसने, लोगों ने बड़े परेशान थे, बड़े समस्या में थे, उसने गया परमेश्वर के सामने, कहा हे परमेश्वर मेरे पर दया कर, मेरे दुश्मनों को देखो मुझ पर चढ़ाई कर जाए। उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मात्र में एक स्वर्गदूत भेजा, सारे सैनिक खत्म। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर के दूत आपके घर गए, सारे बीमारी समस्या कर्जी समस्या जितने कुछ है खत्म उसी समय। यस हालेलुया। लेकिन आज रात के ही आपके हर समस्या खत्म हो गई, क्योंकि आपके साथ मेरा परमेश्वर यहोवा है। अरे रे, कुछ भी हो जाए, मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, कहीं से पैसा व्यवस्था करके हम परमेश्वर के घर में जाएंगे तो जाएंगे। आज का मजदूरी मेरा परमेश्वर देखता है, कल ऐसा दिन आएगा मजदूरी भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप परमेश्वर सब कुछ देगा। हालेलुया। जब मेरे को दिन याद है, जब मेरे पास पैसा नहीं था और मेरे पास जो पैसा था मैंने अपने दोस्तों को खिला दिया था, चर्च में था, मेरे को भूख लग गया था, खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं था, मैंने मिट्टी उठाया था, खा लिया और मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरे बेदी का मिट्टी खा रहा हूँ, मुझे विश्वास है तेरे तूने मेरा भूख खत्म करेगा। परमेश्वर ने मेरे आंसुओं को देखा, आज मुझे वहां से यहाँ खड़ा कर दिया है। क्या जब मुझे वहां से यहाँ खड़ा कर सकता तो आपको कहाँ नहीं ले जा सकता है? समझ रहे कि नहीं? आपके ऊपर परमेश्वर का वरदान ट्रांसफर हो रहा है। यस आमीन। आप आशीष पाओगे, बोलो आमीन। आमीन।